वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। देश में चैन और अमन की बात करने वाले तथा कथित सेक्युलर तेलंगाना में हुए इस घटना पर खामोश हैं, और हो भी क्यों ना, अभी तस्वीरें ओवैसी के चमचों का मुंह जो बंद कर रही हैं। ये महाराज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति से ही डर गए हैं, तभी तो इस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए। दरअसल तेलंगाना के निजामाबाद जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर दो गुटों के बीच में विवाद हो गया। एक समूह ने अंबेडकर चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई थी, जिससे कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते दोनों में विवाद हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं का है और दूसरा पक्ष टीआरएस और एआईएमआईएम वर्कर्स का बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मूर्ति को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। मौके पर शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। साथ ही इस इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। वहीं बीजेपी नेता और निजामाबाद से पार्टी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने ट्वीट कर सत्ताधारी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बोधन नगर परिषद ने शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और इसे पारित भी किया गया था, फिर भी टीआरएस और एआईएमआईएम के गुंडे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं और शहर में हंगामा और तनाव पैदा कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने एक अन्य ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि सत्तारूढ़ टीआरएस पार्षद ने बोधन शहर में शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने पर कानून व्यवस्था को बाधित करने की धमकी दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।